लाऊ मजा और मार हंकर से चमड़ी और तेरी खींच ले बदजुबानी की मुझसे। भैया बिसैला। हाँ भैया। बियाबान में घूमते घूमते काफी दूर आ गए, क्यों नहीं, लेकिन अभी तक कोई शिकार नहीं मिला। अभी तक एक शिकार मिलवा ही नहीं भवा। अच्छा भैया बोलो। हमार मन कहा था अब यहारी ना चलो। फिर किधर चले? अब यहारी नैया चलो। चलिए ठीक है, बड़े बड़े शिकार मिले हैं, तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ चलूंगा। अरे भैया बोलो। मगर ऐसे ना चलो, कुछ कहते हुए चलो। कुछ कहते हुए? चलिए। कि मान के कहनवा। अच्छा क्या बात है। मान के कहनवा ओ दुनहो ललनवा, गुरु के बचनिया पुरावल हो दुनो बगिया में फुलवा। ए आवल हो दुनो बगिया तो चमन में आ गए हैं। अच्छा, मगर ऐसे चलते हो अच्छा नहीं आ लग रहा ना। कुछ कहते हुए चलो। हाँ रास्ता कट जाए। रास्ता कट जाएगा, जाओ ना। मगर जानती है ऐसे घूमते रहेंगे ना, शाम तक मजा आ जाएगा पक्का है। चलो। क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, वाले हैं मेरे दिल भर यारे।
वो देखो सामने हंस जा रहा है, वो देखो आओ उसका पीछा करते हैं। भैया बोलो, ऐसा करो ये ज्यादा दूर तक ना जाने पाए, लगाओ निशाना और इसे इस वक्त गोली मार दिया जाए। आओ चलते हैं और ये हंस निकल ना पाए जब तक हम तुम वहां पहुंच जाए। क्यों नहीं, अगर हंस निकल गया तो यहां समझ लो शिकार कुछ नहीं मिला। और श्याम रंग राम का सुंदरी बदलेवा, श्याम रंग राम का सुंदरी बदल, श्याम रंग राम का है सुंदरी बदलेवा, गोर गोर बन के लहुरा फिरनेवा, दोनों के रूपवा सुहावल हो तीनों बगिया में देखो और आगे चलते हैं, जानती हो ना। हाँ चलिए ना। हाँ हो, आज मौसम बेईमान है बड़ा बेईमान है, आज मौसम छोला गाड़ी सारा नंबर एक नंबर दो नंबर छोटू वो भाग के दर आओ बदलते इसे उसको यहां से जाने ना सामने आ गए ना तो जो हाल इसका है वही हाल उसका भी करूंगी। अरे साथ पंछी तेरे क्या गजब हो गया, मेरा शिकार है देवी जी। सबसे पहले तो ये बताओ तुम लोगों को यहाँ अंदर आने की इजाजत किसने दी? हम लोग कोई
ये बियाबान जंगल है, यहाँ पर किसी की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। ए लड़की, क्या ये शिकार हमें दे दियो? क्यों एका ले जाए कि हम भूंज के आया करेंगे? छोटू, इन देवी जी से अपना शिकार ले लीजिए। शिकार दे दो। आओ आके देवी जी, ये शिकार मेरा है और इस शिकार के गोली हमने मारा है। मतलब कि तुम ही वो पापी निर्दयी इंसान हो जिसने इस निर्दोष पक्षी पर गोली चलाकर इसे घायल कर दिया है। अरे शक्ल से तो ऐसे नहीं दिखते हो। अगर तुम्हें शिकार करने का इतना ही शौक है तो जंगल में जाकर कहीं चीता और शेर का शिकार करो। देवी जी, क्या क्या शिकार करना कोई पाप है? पाप नहीं है, मगर इस निर्दोष पक्षी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हमेशा तो हम लोग शेर चीता बाघ का शिकार करते हैं। हाँ, लेकिन आज हमने हंस का शिकार किया और वो भी आप इसे बचा रहे हैं। अच्छा, हमें ये शिकार मुझे दे दीजिए। ये शिकार मेरा है, इसे मुझे दे दीजिए। नहीं, ये शिकार तुम्हारा बेशक है मगर तुम्हें नहीं दूंगी। ज्यादा पास आओगे ना तो शमशीर गले में डालकर जुबान निकाल लूंगी। सबसे पहले ये बताओ तुम्हें परमिशन किसने दी है भोले भाले पक्षियों पर गोली चलाने के लिए? बताओ भैया, नहीं तो देवी जी। क्या आपसे बताया हमने? हाँ, कि आखिर ये बियाबान जंगल है और यहाँ पर हर कोई शिकार खेल सकता है। ठीक है, तो भोली भाली अदा खूबसूरत हो तुम, गुल बदल नाम क्या है बया कीजिए, माफ गलती हमारी अभी कीजिए। अपनी तारीफ सची सची आया कीजिए, हाँ देवी जी। आखिर अगर आपका कहना है कि जीवों को मारना पाप है तो ये गलती मैं आपसे, हर इंसान गलती करने के बाद माफी मांगता है, मगर ये पक्षी तुम्हें दूंगी मगर एक शर्त पर। बोलिए देवी जी, क्या? इस पक्षी की मलहम पट्टी करवा कर इस जंगल में तुम्हें फिर से रिमूव करना होगा। ठीक है देवी जी, अगर मंजूर है तो ठीक, वरना अपने रास्ते जा सकते हो। नहीं देवी जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं इस पक्षी की दवा पट्टी करके इसकी सेवा करूंगा। तो ठीक है, अगर इस पक्षी के साथ कुछ भी किए ना तो समझ लो जो इसके साथ करोगे वही तुम्हारे साथ में करोगे। नहीं देवी, नहीं छोटू, अब इस पक्षी की दवा पट्टी करके इसकी सेवा करेंगे हम लोग। नहीं छोटू, आज के बाद मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी जीव को जान से नहीं मारूंगा और इनकी सेवा करूंगा। नहीं छोटू, ऐसा नहीं करेंगे। राक्षस है का? हाँ, क्यों नहीं, एक चट्टी बनवा दीजिए। पट्टी पट्टी होती है, अगर सही नहीं बोलोगे ना तो यही पटक पटक की मारूंगी। और क्या, पहले उसको लेकर जाओ छोटू, फिर बाद में आना। और हाँ जनाब, आपने पूछा मेरी तारीफ। हाँ देवी जी, आखिर किसकी बेटी है और आपका क्या नाम? मेरा नाम खुशबू है और मैं मंत्री कुंवर सिंह की बेटी हूँ। और आपका क्या नाम है? ओ,
यानी इस विराट नगर के महामंत्री कुंवर सिंह की बेटी। हाँ, आपका नाम खुशबू है जी। हाँ, खुशबू आपने अपनी तारीफ, आपका बड़ा प्यारा नाम है खुशबू। खुशबू हाँ, मेरा नाम अमन है और इसी विराट नगर में मेरे पिताजी सेना नायक हैं। अच्छा। हाँ खुशबू, हम लोग एक ही राजमहल के दो मुलाजिम के, मतलब हम लोग एक ही महल के एक ही राजघराने के दो मुलाजिम के तो बच्चे। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन देवी जी, हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? दो दिन हो गया आज तुम पर फिदा। अच्छा। हाँ खुशबू, दिल हो गया आज तुम पर फिदा, प्यार मुझको कभी भूल जाना नहीं, आज से हुआ प्यार सा है। आज से मैं हुआ प्यार सोहल तेरा, प्यार मुझको कभी भूल जाना। आखिर खुशबू, हाँ ये बताओ कि मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? खुशबू हाँ, आखिर तुम्हारी शर्त मैंने मंजूर कर लिया। वो तो ठीक है, और तुम्हारे कहने से ही मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। अच्छा, बिल्कुल सच में? बिल्कुल सच। जानते हो, बोलो, तुमने इतना कहा मगर मैं मना क्यों कर रही थी पता है तुम्हें? मना इसलिए कर रही थी कि आज के जमाने में लोग टाइम पास कर छोड़ देते हैं। नहीं देवी जी, हाँ ये अमन जमाने से टकरा जाएगा लेकिन अपनी मोहब्बत पर आंच नहीं आने देगा। तो ठीक है, सच सच मैं बताऊं तो जब से मैंने तुम्हें देखा है बेशक मैंने तुम्हें डांटा फटकारा, मगर जब से मेरी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी है ना, मेरी नजर कहीं हटी ही नहीं। तो खुशबू, हाँ आखिर इतना दूर क्यों? अच्छा, सबसे पहले ये वादा करो कि कभी किसी भी वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ोगे। नहीं खुशबू, मैं वादा करता हूँ कि कभी भी किसी भी वक्त पर हाँ मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ठीक है अमन, ये खुशबू तुमसे सौगंध खाकर कहती है हालात कैसे भी हो मगर ये खुशबू अपनी जान दे देगी मगर तुम्हारा प्यार और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी चाहे कुछ भी हो। इस खुशबू को उस वक्त मौत मंजूर होगी मगर तुम्हारी जुदाई नहीं। नहीं खुशबू, हाँ ऐसा कभी नहीं होगा। तो ठीक है, आई लव यू अमन। मगर अमन मैं तुमसे कहना क्या चाहती हूँ जानते हो? बोलो क्या कहना? इसका तो जन्म ने तुझे करती रहूंगी प्यार, तो जन्म मैं तुझे
भैया बोलो आहिरे दया सतत यह का भाई। अरे हम कहा बहुत देर से लुबुर लुबुर कर रहे हो, बुखाएगा होई हो, तो हम कहा यौ यौ के पूड़ी खा लियो और दाल पनीर लाए हैं, पनीर लाए हैं, दाल लाए हैं, पूरी कचौड़ी लाए हैं। छोटू इसकी जरूरत नहीं है, हम कहा इसको लेके जाओ, अच्छा मेहनत करो तो ये भुखाएगा भाई बहुत मान जाओगे। जा रहे हो कि नहीं भैया? बोलो यक्के पूरी खवा दियो। क्या लेकर आए? इलाहरी के केला है। कहेगा अरहरी के केला है, जैसे ठक जाए ना ठेका लगा लियो ठकाई दूर हो जाता। ये अलहरी का नहीं अरसी का होगा, अरसी का होगा। देखे मुझे केल ना लग रही है। छोटू तुम चुपचाप चले जाओ। जाई बिल्कुल पूरी नहीं है। तुम जब तक जाकर उस पेड़ के नीचे बैठो। एक बात जान लियो। बोलो तुम हिया बताओ शिकार खेले आए हो कि नौंडिया बाजी करे आए हो? आखिर छोटू देखो प्यार कोई करता नहीं है,